यार यही प्रॉब्लम, मेरे घर में कोई, मेरा कोई क्रिटिक ही नहीं है, सबको लगता है ओह करण आ गया, अरे वाह वाह वाह। सो आई हैव बीन ब्रॉट अप विद ऑल वुमेन, मेरी दादी नानी मम्मी बहन बीवी अब है ना, तो ये इन्होंने मेरे को बिगाड़ दिया है, मेरी कुछ गलतियाँ नहीं निकालते, जो मेरी गलतियाँ निकालते हैं वो मेरे हरामी दोस्त होते हैं ना, जो हर दोस्त कमीना होता है, तो वो सारे दोस्त हैं, उनको मेरा कुछ पसंद नहीं आता, उनको हर चीज़ लगता है, वो असली क्रिटिक नहीं है, वो तो जेलस लोग हैं, वो तो सबके ही होते हैं, असली दोस्त जो होते हैं ना, ये क्या कर रहा है, ये कैसा लग रहा है। सो आई डोंट हैव अ रियल क्रिटिक एज ऑफ नाउ, आई जस्ट हैव मेरे एक टीचर हैं बैरी जॉन, और मेरे कज़न हैं सौरभ, तो उनसे ज़्यादा बातें हो नहीं पाती हैं, लेकिन कभी कुछ ऐसा मैंने किया हो जहाँ मुझे लग रहा हो कि यार मुझे हेल्प चाहिए, सो आई गो टू देम एंड आई टेक देयर ओपिनियन। निधि सब अच्छा बोल देती है, ये वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, और उसके बाद धीरे धीरे उसके अंदर ना नुक्स निकलते रहते हैं, बहुत अच्छी लग रही है बहुत, लेकिन ये शर्ट अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी लग रही हो लेकिन ये पैंट अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी लग रही हो लेकिन ये बेल्ट अच्छी नहीं है, क्योंकि वही तीन चीज़ें तो पहनी है, हाँ लेकिन तुम अच्छे लग रहे हो ये तीनों चीज़ें अच्छी नहीं है। सो बट शी हैज़ अर वे ऑफ इम्प्रूविंग मी डे बाई डे इन लाइफ, इन एज अ पर्सन एंड ऑफकोर्स एज अ लुकर, सो हम दोनों आई थिंक एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते रहते हैं इस चीज़ में। मैं बस उनको देखता रहता हूँ यार, मेरे को बड़ा मज़ा आता है बस उनको देखते रहो, कुछ भी करें ना वो बड़ा मज़ेदार करती हैं जो भी करती हैं। सो झगड़ा अभी 6 महीने 7 महीने हुए हैं, तो मतलब शुरू हो गया है धीरे धीरे, लेकिन फिर मतलब आपको पता है कि जितनी जल्दी सॉरी बोल दो, और मीन वाला सॉरी, ऐसा नहीं कि हाँ सॉरी ये तो हो गया, अच्छा वो बात थी ना उस बात के लिए सॉरी, अच्छा वो बात सॉरी के लिए भी अलग से एक सॉरी बोल दो, लेकिन वो दिल से आना चाहिए, तो मैं यही ट्राई करता हूँ कि दिल से निकल के आए हर सॉरी। हाँ तो वो सॉरी तो आप मतलब हस्बैंड का सिनोनिम सॉरी होना चाहिए, ये मैं सीख गया हूँ, अपना OTT मैंने बनाया था ना खुद का जो YouTube पे चलता रहता है मेरा, सो बहुत सारे मेरे को लेसन मिलते गए हैं, तो सॉरी एक ऐसे मतलब अगर भगवान लगा के चले और सॉरी फेस बना के चले तो आपकी लाइफ कट जाएगी अच्छे से। नहीं नहीं वो पता है उसको कि सॉरी के लिए, और सॉरी के लिए अपना मुँह खुला रखो और बटुआ खुला रखो बस, बाकी लाइफ कट जाएगी। हाँ सुखी रहने का एक ये बड़ा एक वो है, बट नहीं निधि वो बहुत क्या कहते हैं ना उसे, मजाक बातें एक तरफ, अब ये देख रही होगी अगर, तो वो बहुत रीज़न आउट कर लेती है चीज़ें, एंड इफ शी इज़ रॉन्ग शी ऑल्सो अपोलोजाइजेज समटाइम्स एंड से इसकी हाँ ये हो सकता है मेरी गलती हो, इसके लिए आप मुझे सॉरी बोल रहे थे, लेकिन यू कैन टेक योर सॉरी बैक, मैं फिर आपको दे दूँगी कभी। सो बड़े प्यार से आ जाता है उसका कि हाँ वी रीज़न आउट एंड वी आर अंडरस्टैंडिंग बिकॉज ऑल्सो बींग फ्रॉम द सेम लाइन, तो हम सीख जाते हैं। हाँ अपने काम को देखकर हम एक्चुअली सीखते बहुत हैं उससे, इट्स नॉट अबाउट क्रिटिसाइजिंग, उससे कैसे मतलब वो काम को अब अगर मिलता तो कैसे करते, अगर ये मैंने एक्स्ट्रा किया होता तो कैसे करते, सो वी आर ऑन अ डे टू डे बेसिस इवॉल्विंग, हम कुछ ना कुछ पढ़ रहे होते हैं या कॉन्टेंट देख रहे होते हैं, किसका कॉन्टेंट अच्छा लगा, हम आपस में क्रिटिक वगैरह सब करते रहते हैं, सो दैट वे वी आर वेरी आई थिंक वी आर ग्रोइंग एज एक्टर्स एज पीपल ऑन अ डेली बेसिस। हाय दिस इज करणवीर मेहरा, और आप प्लीज़ देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए टू टेली टॉक।